इस खबरों की खबर नित दिन गल करते कि भाई प्राइवेट अदारों पूरा देश दिता जा रहा, प्राइवेट अदारों सारे सरकारी अदारे सौंपे जा रहे हैं, प्राइवेट घरानों के हवाले सारा कुछ किया जा रहा, पर उस समय कई लोग कहते नहीं इदा नहीं हो सकता जी, मैं BSNL की गल अक्सर करता सी, रेलवे की गल अक्सर करता सी, एयरपोर्टा की गल अक्सर करता सी, हैं रेलवे स्टेशन की गल अक्सर करता सी, LIC की गल आप अक्सर करते सी। सो अज सारा कुछ अमली रूप सामने आ गया जो निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि इन्ने करोड़ रुपया असी इकट्ठा करना जी, तो आह अदारे असी निजीकरण कर देने। कौमता जी कल्ला सरकार चलाने लई खजाना भरन की खेड नहीं हैगी, जे सिर्फ खजाने च पैसे की कमी कारण अदारे प्राइवेट करने होंगे तो अदारे प्राइवेट होंगे जो घाटे च हो ना कि वह अदारे। इस मौके चंडीगढ़ का बिजली सब तो वध कमाई का साधन आ, चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन घाटे च नहीं आ, चंडीगढ़ की बिजली की सप्लाई भी प्राइवेट आप पिछले दिन गल की वो ये भी शामिल आ, चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन भी, शिमले वाला भी, सारा कुछ कालका वाला भी। सो ये सारा कुछ यदा मतलब कमाई वाले साधन भी तुम उन्होंने दे रहे हो। सो मेरे को पूरी रिपोर्ट आ जी मैं दर्शकों सामने रख भी ना कि जिस हिसाब न सामने आँदी है कि तत् किमें निर्मला सीतारमण जी ने वो गल्ला जी आप अक्सर करते कि किमें उन्हों का पहला तो जेकर मैं पूरी खबर पर जाना हो जी कि बीबी साड़ी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्हें कहा कि 6 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए असी ये सारा कुछ प्राइवेट कर जा रहे हैं, वो हाईवे रेलवे सने 13 सरकारी जायदात ने, 13 बड़े सरकारी अदार की जायदात ने जिन्हों सीधी तौर पर निजी हाथों से जानिया ने जी। निर्मला सीतारमण उन्होंने कहा कि यह सारा कुछ पाइपलाइन सेगा, असी हुण लॉन्च करता उन्हों, तो इस दे तहत वखो वख खेतरां दीआं सरकारी कंपनियां जिहड़ी जायदाद है सरकारी अदारियां दी जायदाद है उन्हों बेच के जां लीज ते दे के पक्की उन्हां नूं दे देणी है, जां लीज भी एक बार पक्की तरह की होंदी है फिर मुड़ के कित्थे छड्ड देने लोक, वह लीज ते दे के कुल 6 लख करोड़ रुपया असी इकट्ठा करना। 6 लख करोड़ रुपया तो दस्सिया कि असी इकट्ठा करना, पर किहड़े अदारे मार रहे हैं वो सुणो सी, कमाल की गल होगी कि बीबी जी ने कहा कि पूरा खाखा पेश है मेरे को, पूरी तैयार है लीज़ के उत्ते देने लई, प्रक्रिया 4 साल की है, जानी 2025 तक पड़ा दर पड़ा, पहले पड़ा च इन्ने एयरपोर्ट, दूए पड़ा च इन्ने एयरपोर्ट, सो ये 4 सालों के 2025 तक सारा कुछ प्राइवेट अदारों चला जाना। सो सरकार जाने तो पहला मैनू लगता इन्होंने देश का प्राइवेटकरण कर जाना, देश निजी अदारों बेच जाना, इसे का खदसा लैके किसान खड़े ने कि तुम अवानी अडानिया दे रहे हो जी साड़ियाँ जमीन, तो इतों साफ हो गया कि जेड़े उस गल तो मुकरते कि नहीं इदा नहीं होएगा, आ हूँ सारा कुछ आप दे रहे हैं, यदि गल आप अक्सर करते हूँ तो उन्हें खुद कहा ये जी कहते साफ है कि सड़क रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट लीज पर दिते जाएंगे, उन्होंने मालकान हक कहते सरकार को रहेगा। ये उमें ही है कौमिता जी कि पेट्रोल डीजल कीमत वधदिया ने, कंट्रोल साढ़े को नहीं है क्योंकि प्राइवेट बाजार च है, तो जो टैक्स लाना तो साढ़े को, सो इतने अपने वसूली जोगा पैसा लै लेना, पर उत्थे हक उन्होंने होगा कहन सरकार को। लीज एक तरह ना कहते समा हद होगी जी, ये तुम खेड देखो कितने सरकारी रेलवे सड़कों के रेलवे नाल सरकार नूं 3 करोड़ रुपया इकट्ठा होना, 3 लख करोड़ हाईवे तो 1.6 लख करोड़, रेलवे तो 1.5 लख करोड़, पावर ट्रांस जिहड़ी सप्लाई है बिजली की वो तो 45,200 करोड़, पावर जनरेशन जिहड़ी बिजली पैदावार है वो भी प्राइवेट खेत्र नूं जाणी है वो तो 39,832 करोड़, जिहड़ियां ये टैलीकॉम कंपनियां ने उन्हां दीआं टावरां देणियां सारा कुछ देना है उहदा 35,100 करोड़, वेयर हाउसिंग सरकारी गोदाम इत्थे तुसीं जिहड़ी कह रहे हो कि किसानां नूं विच मार आ, वो देख लो एक पासे प्राइवेट अदारियां दे गोदाम बन रहे ने, ते वो बिल बनन तो पहला कानून 3 खेती कानून आने तो पहला बन गए, इहदा मतलब उन्हां नूं पता सी कि अजिहा कानून बनना, तां ही किसान कह रहे ने कि उन्हां दे हिसाब नाल बने ने, ते इधर जिहड़े सरकारी गोदाम हैगे सी वह भी हुण सरकार ने प्राइवेट हत्थां नूं सौंपण की तैयारी कर ली, वेयर हाउस के 28,900 करोड़ रुपया इन्हां ने इकट्ठा करना, फिर इदा ही जी पाइपलाइन है चंडीगढ़ के पहले ही अडानी की पाइपलाइन आ गई है देश के बाकी बड़े स्मार्ट शहरों के ना तो जा रही है, तो वह पाइपलाइन भी 24,462 करोड़ इकट्ठा करना, सारा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दे देना, फिर इस तो बिना होर वक्रिया जो प्रोडक्ट ने पाइपलाइन के 22,000 करोड़ है, फिर जड़िया साड़िया मतलब कि खड्डा कह लो, कोयले वाली खाना कह लो, रेत वाली खा खड्डा ले लो, वो सारे तो उतों भी जोड़ा मतलब कि 28,747 करोड़, फिर बखो वक् स्टेडियम तक प्राइवेट कर रहे हैं। जेकर मैं इस मसले पर पूरे अंकड़े दसा कौमता जी तो 25 एयरपोर्ट ने, मैं अक्सर पिछली बार गल की सी खास कर कुछ देर पहले ही कि 6 एयरपोर्ट पहली तजवीज़ के प्राइवेट हो जाने, वो 6 हुणे होने जा रहे हैं, 25 एयरपोर्ट ने, इन चो 12.5 साल के प्राइवेट हो जाने ने, जिन्हें अमृतसर का एयरपोर्ट पहले पड़ा च, पहले जोड़े 6 एयरपोर्ट प्राइवेट होने जा रहे हैं, उन्होंने गुरु नगरी अमृतसर का एयरपोर्ट भी है जनाब, एयरपोर्ट भुवनेश्वर तो 900 करोड़,
वाराणसी तो 500 करोड़, अमृतसर तो 500 करोड़ है, तो इस तरह इंदौर तो 400 करोड़, रायपुर तो 600 करोड़, तो दूसरे पड़ाव चेन्नई 2800 करोड़, विजयवाड़ा 600, त्रिपुरति 260, वडोदरा 245, भोपाल फिर डुबली, ये सारे वो ने जिथों सरकार नू करोड़ों च आमदन रेगूलर आउंदी सी, कमाई दे विच प्रॉफिट सीगे अदारे, उस तरह बिजली वाले अदारे जिथे प्रॉफिट सी वह भी सारे प्राइवेट किए जा रहे हैं। कौमता जी, सड़क 26,700 किलोमीटर दियाँ स्टेट जिहड़े सड़क ने, स्टेट मार्ग ने जिहड़े, वह तो सड़क के उत्ते ठेका सारा कुछ मतलब कि हुण प्राइवेट अदारियां दे कोल चला जाना। फिर जी साडियां टावरां, वह BSNL जिहड़ा मतलब कि सब तो वध ताकतवर अदारा सी जिहदी वरतों इस मौके सकदी, उस थां ते प्राइवेट अदारे उन्हां दियां टावरां ते मौज कर रहे ने, हुण पक्कियां ही प्राइवेट हुंदे देणियां। 2.86 लाख किलोमीटर दे भारत फाइबर तो इलावा BSNL दियां सिग्नल टावरां वह सारा कुछ प्राइवेट दे देणियां ने। 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री ट्रेना, हुण तक अपने मजाक हुंदा सी कि ट्रेन दस बंदा कहिंदा मैं रेल लैणी है, रेल थोड़ा प्राइवेट हो जूगी, सोच ही नहीं सकते सी। सो पहले पड़ाव 90 यात्रु ट्रेना प्राइवेट करनी, उस तो बाद पड़ा दर पड़ा फिर होर करनी है। 741 किलोमीटर रेल मार्ग जिहड़ा हो दूसरे ने, फिर 15 रेलवे स्टेडियम ते कलोनियां, आ सारा कुछ प्राइवेट करना जिहदे नाल। फिर जिहड़ी बिजली की सप्लाई आ, 28,608 सर्किट किलोमीटर की बिजली वह सप्लाई लाइन, वो तो इलावा 6 गीगावाट ऊर्जा जिहड़ा पैदा करने वाले साढ़े बिजली पैदा करने वाले ने, उन्हों का सारिया जायदादा सारा कुछ प्राइवेट करना। फिर ये तो बाद गैस पाइपलाइन, 8,154 किलोमीटर की लंबी कुदरती जी असी गैस पाइपलाइन वरतते हैं घरेलू गैसा, वह फिर 3,930 लंबी पाइपलाइन होर। फिर इस तरह FCI दे 775 लाख टन वाली क्षमता वाले जोड़े गोदाम, FCI की जिम्मेवारी होंगी सी कि खा साढ़े अनाज चके, कणक झोना चके तो उन्होंने संभाले, तो हूँ FCI जी गल किसान कर रहे हैं कि 3 खेती कानून जो आए तो मंडी मुकेगी, वो एक तस्वीर आ निर्मला सीतारमण ने दिखाती, कल बिल्ली थैल्यों एक बार फिर बहर आ गई कि उस दे विच साफ है जिहड़ा प्राइवेटकरण किया जा रहा, उस दे विच FCI दे ते CWUC दे उन्हां दे 755 लख टन जिहड़ा मतलब कि उस रखण की मतलब कि पावर है, इन्नी समर्था है उहदी कि 755 लख टन अनाज सांभा जा सकता, वह FCI ते CWUC दे जिहड़े गोदाम ने वह प्राइवेट हत्थां नूं सौंपे जा रहे हैं। मतलब जे दुए ना चले जानू किसानों ने वो ना चलन दिते तो यह चला लो, मैंने लगता किसान हूँ इन्हों मूरे बैठेंगे। फिर दिल्ली, बंगलौर, ये सने कई शहरों के बड़े स्टेडियम सीधे ठेके से दिते जा रहे हैं। इस तो अलावा जी 160 कोले दिया खदाना, उस तो बाद 25 हवाई अड्डे हैं, फिर 9 बड़िया बंदरगाह, मतलब 9 बड़िया बंदरगाह देश दियाँ। सो हुण बचिया की है कौमता जी, मैनू ये दस दो किहड़ा अदारा बचिया, किहड़ी चीज़ बची है, इसे लई चिंता खड़ी आ कि तुसीं पूरी तरह देश का प्राइवेटकरण कर रहे हो, केंद्रीकरण कर रहे हो, तो मैं ता ही तो पुछदा कि फिर सरकार चुनने का की फायदा, चोणां च जाके इन्नियां वोटां ते पैसे खर्च का की फायदा, फिर सरकार भी ठेके दी 10-10 हज़ार ते बंदा चुन लिया करिए, क्यों इन्नियां तनखाह लेंदे ने, क्यों इन्ने पत्ते लेंदे ने। सो इस तो समझ आउंदी आ कि सरकार पूरी तरह प्राइवेट घराणियां दे हत्थां च बिक चुकी आ, ते इस नूं लैके जिहड़ा किसानां दा अंदोलन आ, मैनूं लगदा आ अज दी खबर तो बाद आउण वाले दिनां च इस सारे खेतरां च काम करन वाले मुलाजम, उन्हां दे परिवार, देश दा समुच्चा आवाम सड़क ते होएगा, तो ये किसान अंदोलन होर लोक अंदोलन बन के वड्डी ताकत दे रूप सामने आएगा, क्योंकि जिहड़ा खासा किसान ने 9 महीने पहला प्रगटाया सी कि भाई देश दा प्राइवेटकरण हो रहा, उहदी तस्वीर खुल के सामने आ गई।